सर अमीन कुरैशी साहब की बहन आई थी, उन्होंने कहा है उसे छोड़ दें। कहाँ जा रहे हो मुरीद? वापस आने के लिए जा रहा हूँ। पिस्टल निकालो। क्या? पिस्टल निकालो। पिस्टल ये मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा। तो ऐसी जगह क्यों जा रहे हो जहाँ तुम्हें इसकी जरूरत पड़े? तुम कहीं नहीं जाओगे, बस किसी को मेरी जरूरत है, मेरा जाना जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरत है? नहीं, आपसे ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं है, मैं खुद और ईद भी नहीं। ठीक, तो फिर तुम नहीं जाओगे? लेकिन जाना जरूरी है, प्लीज इजाजत दे दीजिए। इजाजत मैं नहीं दूंगी मुरीद, फिर भी जाना चाहते तो चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। क्या हो अस्मा? क्या हुआ, क्या है बात? अरे बात तो सुन, क्या हुआ? जाओ, तुम जाना चाहते हो ना? ऐसे कैसे जा सकता हूं मैं? जैसे पहले जा रहे थे वैसे चले जाओ। अच्छा, तो अब मेरी बेबसी का मजा ले रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, तुम बेबस नहीं हो, तुम तो आजाद हो। आजाद था लेकिन अब नहीं हूं, कैदी हूं। मोहब्बत का कैदी, आपकी मोहब्बत का कैदी। और कैदी भी वो जो आजाद नहीं होना चाहता। पर तुम तो जाना चाहते हो ना, तो जाओ। अरे कौन कम बख्त आजाद होना चाहता है इस कैद से जिसकी जंजीर इतनी खूबसूरत है। उठो, उठो। कंफ्यूज्ड हो तुम मुरीद, जंजी से मोहब्बत भी करते हो, आजादी भी चाहते हो। खुदा की कसम, इस कैद से आजाद नहीं होना चाहता मुरीद, सच कहूं तो इसी कैद में मरना चाहता। काश मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी, मेरी किस्मत इस खूबसूरत हाथ की लकीरों में लिखी है। काश पहले पता होता। तो फिर यकीन करना मुरीद, तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है और ये मरने बनाने की बातें आइंदा मेरे साथ मत करूं। और ठीक है, जहां जाना चाहते हो आज चले जाओ, तुम्हारे जो भी काम है ना वो सारे काम खत्म करके वापस आना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी पे माजी का साया नहीं चाहती। अभी अब चला जाऊंगा लेकिन थोड़ी देर तक। क्यों? जाओ, थोड़ी देर और ऐसे ही देख लूं फिर चला जाऊंगा। धड़कन को सुन जाइए। देखिए, हाँ जाओ। क्या? तो थोड़ी देर मतलब जाओ। अरे तुम्हें जाना था ना? हाँ, लेकिन क्या? चलो, अच्छा, जाओ, चला जाऊं? जाओ, क्या मैं देख भी नहीं सकता? जाओ, वरना फिर जाने नहीं दूंगी। जाओ, क्या हो?